बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर वन ही स्टार्ट करेंगे, जो ऑलरेडी हमने क्लास में स्टार्ट किया हुआ था। आज उसके दो टॉपिक पढ़ेंगे, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। अब ये दोनों जो हैं, ये बेसिकली लैंग्वेजेज ही हैं। अब अगर लैंग्वेजेस की हम बात करें तो दो किस्म की लैंग्वेजेस होती हैं, हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेजेस। कुछ लैंग्वेजेस जो होती हैं वो लो लेवल के अंदर आती हैं और कुछ लैंग्वेजेस जो होती हैं वो हाई लेवल के अंदर आती हैं। अब यहाँ पे जो हम ये दोनों लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, ये दोनों लैंग्वेजेस लो लेवल लैंग्वेजेस ही हैं। फर्स्ट है मशीन लैंग्वेज, जो जिसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज भी कह सकते हैं। अब जहाँ पे आपके पास इंस्ट्रक्शन जो हो, मीन्स आप ये काम कर रहे हैं, जब वो बाइनरी लैंग्वेजेस में लिखा हुआ हो, मीन्स जीरो और वन की फॉर्म में, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये मशीन लैंग्वेजेस है। अब ये लैंग्वेज जो है ये डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है कंप्यूटर। अब ये जो लैंग्वेज है इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है कंप्यूटर, मीन कि उसके लिए किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। मीन्स ये नहीं होता कि बीच में कोई कन्वर्टर हो जो लैंग्वेज को कन्वर्ट करे। अब जब प्रोग्राम आपने, अब आप प्रोग्राम से मुराद होते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर, जब आप कोई भी प्रोग्राम या कोई भी सॉफ्टवेयर लिखेंगे मशीन लैंग्वेज के अंदर, तो वो बहुत ही जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों? वो मशीन लैंग्वेजेज हैं। अब क्योंकि वो सिस्टम समझते ही मशीन लैंग्वेजेज है, जैसा हम उर्दू में बात करें तो हम इजीली उर्दू बात समझ जाएंगे। अगर इंग्लिश को साथ कंपेयर करें तो इंग्लिश में थोड़ा हमें डिफ़िकल्टी पेश आएगी, मीन्स जितना जल्दी हम उर्दू को समझेंगे इतना जल्दी हम इंग्लिश को नहीं समझेंगे। प्रोग्राम्स आर मशीन डिपेंडेंट, सॉरी ये मशीन लैंग्वेजेस जो होती हैं, अब इसके अंदर जो आप प्रोग्राम लिखेंगे वो मशीन डिपेंडेंट होगी। मींस अब मेरा सिस्टम है तो इसकी अपनी मशीन लैंग्वेजेस हैं, आपका अपना सिस्टम है तो उसकी अपनी मशीन लैंग्वेजेस हैं। मीन्स आप जो काम भी करेंगे आप अपने सिस्टम में, वो आपकी मशीन पर डिपेंड होगा। अब हर कंप्यूटर की अपनी मशीन, वही मैंने नीचे फिर दूसरा पॉइंट आपको बता भी दिया कि हर कंप्यूटर की अपनी मशीन लैंग्वेज होती है। अब मशीन लैंग्वेज जो होती है ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर लो लेवल लैंग्वेजेस की हम बात करें तो ये बेसिकली ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंड करनी वैसे भी मुश्किल ही होती है। मशीन लैंग्वेज आपकी फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी हम इसको कह सकते हैं कि ये फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज को सेकंड जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं। अब असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो सिंबल्स होते हैं आ जाते हैं बाइनरी की जगह, मीन्स अगर आपने सब्ट्रैक्शन करनी है तो आप कुछ सब इस तरह लिख देते हैं, फिर आपने एडिशन करनी है तो ऐड, इसी तरह मल्टी, इस तरह के कुछ ना कुछ आप सिंबल्स इसके अंदर लिखते हैं। इन सिंबल्स को हम मिनमैनिक्स भी कहते हैं, जिस तरह यहाँ सब इंस्ट्रक्शन इज यूज, अब उसके बाद सब्ट्रैक्ट करने के लिए दो नंबर को, इसको हम सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं। अब जब आप प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो है वो इजी टू राइट है, मींस असेंबली लैंग्वेज जो है वो इजी है अंडरस्टैंडिंग के लिए एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज। ये नहीं कि ये इजी है, अब काफ़ी ज़्यादा और लैंग्वेजेस भी आ गई हैं, वो इससे भी ज़्यादा ईजी हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट ये मशीन लैंग्वेज से ईजी है अंडरस्टैंडिंग के लिए। मीन ईजीली हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, डिबग मीन्स कोई एरर आ गया, बग्स आ गया तो वो फाइंड आउट कर सकते हैं एज अगर इसको हम इसके साथ। अब असेंबली लैंग्वेज को आगे हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर देखेंगे तो असेंबली, उसमें आपको और भी क्लियर हो जाएगा। असेंबली लैंग्वेज जो है इसको मशीन लैंग्वेज असेंबलर होता है। सबसे पहले मशीन लैंग्वेज का आपके पास कोड आएगा, उसके बाद असेंबलर होगा। मैं यहाँ पे आपको ये डायग्राम बनाकर बता भी देता हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले असेंबली लैंग्वेज का कोड आएगा, ठीक है, जो भी आपका कोड होगा। उसके बाद यहाँ से आगे असेंबलर जो होगा वो इसको कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे आपके पास बीच में आ जाएगा असेंबलर, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको मैं सीधा कर देता हूँ। यहाँ पे आपके पास आगे आएगा असेंबलर जो इसको कन्वर्ट कर देगा मशीन के अंदर, शेप शेप ले ली, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा असेंबलर जो इसको कन्वर्ट करेगा मशीन के अंदर, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं, रफ सी एक डायग्राम है,
आपने अपने बुक से देख लेनी है, वहां पे आपकी बुक में बनी हुई है ऑलरेडी शेप, और शेप के बाद यहाँ पे फिर वो इसको मशीन के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। असेंबलर इसको मशीन के अंदर भेज देगा, ठीक है। इन कोड आपका आएगा असेंबली के अंदर, असेंबलर जो होगा वो इसको कन्वर्ट कर आपको मशीन लैंग्वेज में दे देगा। तो ये था आपका असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। आपने ये मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा, और उसके बाद आपने अपनी बुक से भी इसको पढ़ लेना है, और उसके बाद आपका होमवर्क है, आपने ये शॉर्ट नोट लिखना है असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के।